अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे। यहां पे है मेरे पास ओप्पो A1K और यहां पे है रेडमी 8A। इन दोनों डिवाइस का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि दोनों डिवाइसेस 2GB रैम विथ 32GB रोम के डिवाइसेस हैं, लेकिन प्राइस के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे ओप्पो A1K की प्राइस है 19,000 रुपये, जबकि रेडमी 8A को काफ़ी ज़बरदस्त सरप्राइजिंग भी प्राइस में अनाउंस किया गया है 16,000 रुपये की प्राइस के अंदर। लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है meestore.pk पे, जबकि ओप्पो A1K ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसके डिस्काउंटेड अगर प्राइस की बात करें तो डिस्काउंट में भी तकरीबन ये आपको 17,500 या 18,000 तक का मिलता है डिस्काउंट के बाद भी, लेकिन यहाँ पे आपको ये 16,000 रुपये का मिल रहा है डिस्काउंट के बाद। यहाँ पे चिपसेट अच्छी मिल रही है, तो डिटेल कंपैरिजन करेंगे, बेंचमार्क स्कोर देखेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, गेमिंग देखेंगे, कैमरे के फीचर्स देख लेंगे और कैमरे के कुछ सैंपल्स भी दिखा दूंगा। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। लेकिन आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन। राइट साइड पे है रेडमी 8A, जबकि लेफ्ट साइड पे रखी है मैंने ओप्पो A1K। इन दोनों डिवाइस की सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले की। डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे रेडमी 8A के अंदर लगाया गया है 6.2 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है और IPS LCD लगाई गई है यहाँ पे, जबकि 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है ओप्पो A1K के अंदर। तो 1 इंच का डिफरेंस होगा यहाँ पे 6.2 और यहाँ पे 6.1 इंच का है। दोनों डिवाइस में IPS LCD मिल रही है। रेजोल्यूशन भी दोनों डिवाइस के अंदर सेम मिल रहा है, 720x1520 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन लगाया गया है। HD+ डिस्प्ले मिल रहा है। पिक्सल डेंसिटी में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। Redmi 8A की पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की है, जबकि ओप्पो A1K के अंदर मिल रही है हमें 282 PPI की। स्क्रीन टू बॉडी रेशो अगर हम देखें इसी तरह तो Redmi 8A के अंदर हमें मिल रहा है 81.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, जबकि ओप्पो A1K के अंदर में मिल रहा है 80.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। यहाँ पे बेजल्स के हिसाब देखे जाए, बेजल्स दोनों के सेम हैं, दोनों डिवाइसेस के चिन थोड़ी सी मेरे ख्याल से, बल्कि नहीं, चिन भी सेम है दोनों डिवाइस की, क्योंकि यहाँ पे रेडमी का लोगो है, यहाँ पे ओप्पो का लोगो नहीं है, लेकिन चिन दोनों की सेम है। वाटर ड्रॉप नॉच है दोनों डिवाइसेस के अंदर, सेम डिस्प्ले मिल रहा है, सेम नॉच, सेम चिन, सिर्फ और सिर्फ साइजेस का फर्क है, क्योंकि रेडमी 8A का थोड़ा सा बड़ा साइज है यहाँ पे 6.2 इंच का, यहाँ पे 6.1 था। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर सिर्फ यही फर्क है। इसी तरह एस्पेक्ट रेशो देखें यहाँ पे तो रेडमी 8A के अंदर 19:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल रहा है, जबकि ओप्पो A1K के अंदर 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल रहा है। इसी तरह बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक की बिल्ड है, रेडमी 8A में भी और ओप्पो A1K में भी दोनों डिवाइस के अंदर प्लास्टिक बिल्ड है। और फ्रंट पे मैंने आपको जिस तरह बताया, यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर IPS LCD मिल रही है। रेजोल्यूशन में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों डिवाइस का, तकरीबन डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी सेम होने वाली है। डिज़ाइन के अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, डिज़ाइन यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों का सिंपल बैक है। यहाँ पे रेडमी के अंदर थोड़ी सी बीच में डिज़ाइन बनाया गया है और यहाँ पे बैक साइड दोनों की डिवाइस की सेम है। कलर्स यहाँ पे ओप्पो के अंदर रेड कलर है और यहाँ पे ब्लू कलर है, दोनों कलर्स अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा दोनों डिवाइस की बैक साइड पे सिंगल कैमरा और सिंगल LED फ्लैश मिल रहा है, उसकी तरफ आते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो रेडमी 8A के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की बिल्ड मिल रही है। फ्रंट साइड पे प्रोटेक्शन लगाई गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की लगाई गई है, जबकि ओप्पो A1K के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिल रही थी। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया रेडमी 8A के अंदर। हमने यहाँ पे दोनों डिवाइस की जब डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करी तो इसके अंदर हमें एक प्लस पॉइंट मिला रेडमी 8A, एक तो बड़ा साइज मिल रहा है 6.2 इंच का, दूसरा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है। ओप्पो A1K के मुकाबले में रेडमी 8A यहाँ पे बाजी ले गया। अब हम दोनों डिवाइस की कैमरों की भी करते हैं कंपैरिजन। यहाँ पे फ्रंट पे रेडमी 8A के अंदर 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर F2.0, जबकि ओप्पो A1K के अंदर फ्रंट पे मिल रहा है 5 मेगापिक्सल कैमरा विद अपर्चर F2.0। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरे में भी बाजी ले गया रेडमी 8A 8 मेगापिक्सल के साथ। बैक साइड के कैमरों की बात करें तो बैक साइड पे रेडमी 8A के अंदर 12 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है विद अपर्चर F1.8, जबकि ओप्पो A1K के अंदर 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर F2.2। तो यहाँ पे भी रेडमी 8A आप बाजी ले गया, क्योंकि यहाँ पे भी 12 मेगापिक्सल कैमरा है और फ्रंट पे भी 8 मेगापिक्सल कैमरा है। कैमरा के कुछ सैंपल्स भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर
Redmi 8A के अंदर जो चिपसेट मिल रही है वो Snapdragon 439 की मिल रही है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे ज़बरदस्त चिपसेट मिल रही है। Snapdragon 439 की चिपसेट लगाई गई है। Adreno यहाँ पे मिल रहा है, GPU Adreno 505 का मिल रहा है और CPU यहाँ पे मिल रहा है 1.95 GHz का Octa-Core CPU। जबकि Oppo A1K से कंपेयर करें तो यहाँ पे MediaTek की Helio P22 की चिपसेट मिल रही है और यहाँ पे भी GPU Power VR G8320 का मिल रहा है। और MediaTek Helio P22 की वही चिपसेट है जो हमें Infinix की या Tecno की डिवाइसेस के अंदर मिल रही होती है, जो 16,000 जैसे Infinix का Hot 8 है, इस तरह की जो 20,000 रुपए की जो डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर ये चिपसेट होती है। लेकिन Snapdragon 439 की चिपसेट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है इसके मुकाबले में। अभी हम बेंचमार्क स्कोर्स भी देख लेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल पता चल जाएगी। और रैम और रोम के वेरिएंट की बात करें तो दोनों डिवाइसेस 2GB रैम के साथ आती हैं और दोनों डिवाइसेस के अंदर 32GB की हमें स्टोरेज मिल रही है। दोनों डिवाइस के अंदर 3 कार्ड स्लॉट मिल रही है, यानी डेडिकेटेड स्लॉट मेमोरी कार्ड के लिए अलग से मिल रही है। 2 सिम लगा सकते हैं आप एक साथ दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम देख लें तो यहाँ पर दोनों डिवाइस के अंदर आउट द बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई आता है, एंड्रॉयड 9 पाई पे आती हैं दोनों डिवाइसेस। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है ओप्पो A1K के अंदर, वर्जन 6 मिल रहा है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का। और यहाँ पे Redmi 8A के अंदर MIUI 10.3 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, दोनों डिवाइस के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं। इसके अलावा बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी के अंदर भी Redmi 8A यहाँ पे बाजी ले गया, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और यहाँ पे Oppo A1K के अंदर 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। यहाँ पे Redmi 8A वाजे तौर पर इससे बढ़ती ले गया, 5000 mAh की बैटरी है, इसके बावजूद भी डिवाइस इतनी कोई ज़्यादा भारी नहीं है, मोटी नहीं है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। उसके अलावा एक और अच्छी प्लस पॉइंट है, क्योंकि Redmi 8A के अंदर टाइप सी कनेक्टिविटी मिल रही है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस। इस प्राइस रेंज के अंदर पहली डिवाइस है जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जबकि दूसरे जितने भी मजीद ब्रांड हैं वो इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी 18 वाट टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ फास्ट चार्जिंग नहीं दे रहे। ओप्पो A1K के अंदर भी माइक्रो USB मिलती है 4000 mAh की बैटरी के साथ। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों डिवाइसेस के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा हमें, लेकिन दोनों डिवाइस के अंदर फेस अनलॉक की फैसिलिटी मिलने वाली है और दोनों डिवाइस में जायरोस्कोप सेंसर भी नहीं मिल रहा, यानी अगर आप VR यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो आप VR इसमें दोनों डिवाइस में यूज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों डिवाइस के अंदर फेस अनलॉक मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही डिवाइसेस के अंदर नहीं मिल रहा। अब परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों डिवाइस की बेंचमार्क स्कोर चेक किए हैं मैंने, N22 पे बेंचमार्क स्कोर देख लेते हैं। ये आगे दोनों डिवाइस के बेंचमार्क स्कोर्स, Redmi 8A का स्कोर है 88289 जबकि Oppo A1K का स्कोर है 87367। तो यहाँ पे स्कोर्स के अंदर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि Redmi 8A का ज़्यादा स्कोर होगा क्योंकि चिपसेट सारा थोड़ी सी इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे Oppo A1K ने भी अच्छे स्कोर दिए हैं 87367, लेकिन यहाँ पे फिर भी आगे है Redmi 8A 88 के स्कोर के साथ। इसी के साथ हम यहाँ पे अब स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं स्पीड ऑन एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में कौन सा डिवाइस आगे है। सबसे पहले दोनों डिवाइस के अंदर सबवे सर्फर ऑन करता हूँ, एक साथ क्लिक करने की कोशिश करेंगे, एक साथ क्लिक ही हुई है तकरीबन, देखते हैं पहले कौन सा डिवाइस लॉन्च करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi 8A ने पहले लॉन्च किया है और यहाँ पे गेम स्टार्ट भी हो चुकी है, उसके बाद Oppo A1K ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे हमारी गेम डिवाइस विन कर चुकी है Redmi 8A Oppo A1K के मुकाबले में। अब यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर टेम्पल रन भी ऑन करते हैं और देखते हैं पहले कौन सी डिवाइस लॉन्च करती है, एक साथ क्लिक किए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं Redmi 8A माइनर सा आगे है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इससे आगे है, बहुत कम फर्क है, लेकिन Redmi 8A ने पहले लॉन्च किया है Oppo A1K से। इसी तरह कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी हैं दोनों डिवाइस के अंदर, TikTok ओपन करते हैं, TikTok भी यहाँ पे देख सकते हैं आप Redmi 8A ने पहले लॉन्च की है और Oppo A1K ने अभी तक लॉन्च नहीं की, उसके बाद लॉन्च की है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन में भी Redmi 8A आगे था, Instagram भी देख लेते हैं, Instagram भी यहाँ पे Redmi 8A ने पहले लॉन्च किया है, उसके बाद लॉन्च किया Oppo A1K ने। और PUBG की मैं आपको दोनों डिवाइस की ग्राफिक भी दिखा देता हूँ, एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस की जो स्पेक्स के हिसाब से ग्राफिक सिलेक्ट होती है PUBG की, वो लो सिलेक्ट हुई है और लो सिलेक्ट होनी भी चाहिए थी, दोनों डिवाइसेस 2GB रैम वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PUBG ऑन हो गई है दोनों डिवाइसेस के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी हैंगिंग कर रही है डिवाइस, ये देख सकते हैं हैंग हो गई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रही है Oppo A1K।
इसी तरह यहाँ पे भी चेक करते हैं Redmi 8A के अंदर, यहाँ पे भी लैगिंग है, यहाँ पे भी लैगिंग हैंगिंग मिल रही है हमें, यहाँ बस सकते हैं यहाँ पे भी हैंग कर रही है डिवाइस, हैंग हो गया दोबारा। तो दोनों डिवाइस के अंदर थोड़ी बहुत हमें हैंगिंग और लैगिंग मिलने वाली है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा पबजी एक्सपीरियंस। तो ये था इन दोनों डिवाइस का डिटेल कंपैरिजन। यहाँ पे हमने चेक किया Redmi 8A को कंपेयर किया Oppo A1K के साथ। जब हमने यहाँ पे दोनों डिवाइस का डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन चेक किया तो उसके अंदर यहाँ पे Redmi 8A आगे रही, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा था कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और दूसरे यहाँ पे हमें मिल रहा था डिस्प्ले साइज बड़ा मिल रहा था 6.2 इंच का। तो यहाँ पे डिस्प्ले, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी वाइज Redmi 8A आगे रहा। फिर हमने जब कैमरा चेक किए तो कैमरा के अंदर दोनों डिवाइस के दोनों कैमरा में फ्रंट और बैक में Redmi 8A दोनों तरफ वाजे तौर पर आगे था। 8 मेगापिक्सल का था और बैक भी 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, सिंगल कैमरा है, लेकिन Oppo A1K से दोनों कैमरे ज्यादा हैं। उसके बाद हमने यहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट करी तो परफॉर्मेंस के अंदर भी Redmi 8A काफी आगे रहा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 439 की चिपसेट थी। और यहाँ पे भी हमने जब बेंचमार्क स्कोर्स देखे उसमें भी आगे था। जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो वहाँ पे सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा स्पीड टेस्ट में आगे रही Redmi 8A। एप्लीकेशन काफी अच्छी तरीके से स्मूथली ओपन की और जल्दी ओपन करी। उसके अलावा जब हमने यहाँ पे पबजी एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर में थोड़ी बहुत हैंगिंग मिल रही थी। बैटरी की हमने बात करी तो बैटरी हमें यहाँ पे 5000 mAh की Redmi 8A के अंदर, और यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग 18 वॉट टाइप सी कनेक्टिविटी वाली मिली इसके मुकाबले में, Oppo A1 के मुकाबले में। तो इन दोनों डिवाइस का अगर ओवरऑल में कंपेयर करूं तो मुझे Redmi 8A इससे ज्यादा जबरदस्त लगी Oppo A1K के मुकाबले में। यहाँ पे आज की हमारी वीडियो का वाजे विनर है Redmi 8A। कम प्राइस में काफी जबरदस्त स्पेक्स दे रहा है, काफी जबरदस्त फीचर्स दे रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि आप किस डिवाइस को प्रेफर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।